यदि मेरे पास एक पेशेंट आए जो कि -8 नंबर का चश्मा लगाती हैं और मैं चेकअप में देखती हूँ कि उनके कॉर्निया की जो रिजल्ट है, जो कॉर्निया के जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा है कि उसमें मैं लेसिक लेजर नहीं कर सकती हूँ, तो क्या मैं उस पेशेंट की हेल्प कर सकती हूँ? जी हाँ बिल्कुल, आई कैन एडवाइज एन ICL टू दैट पेशेंट। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर वंदना सरोहा और मैं गुड़गांव में बेस्ड हूँ। आई हैव बीन वर्किंग विद IQ सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल्स फॉर द लास्ट 20 इयर्स एंड आई एम अ कॉर्निया एंड रिफ्रैक्टिव स्पेशलिस्ट। आज हम बात करेंगे एक टेक्निक की जो कि चश्मा उतारने की टेक्निक है, जिसको हम लेसिक या स्माइल या दिल के बियॉन्ड जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं ICL। सो व्हाट इज ICL? ICL का फुल फॉर्म है इम्प्लांटेबल कॉन्टैक्ट लेंस या इम्प्लांटेबल कॉलमर लेंस। एज द नेम सजेस्ट, दिस इज अ लेंस विच इज इम्प्लांटेड इनसाइड द आई और ये एक बहुत ही पतला लेंस होता है, तकरीबन 1 मिलीमीटर का, जैसे कि एक कॉन्टैक्ट लेंस होता है, जिसको हम परमानेंटली आंख के अंदर आपके आयरिस के पीछे फिट कर देते हैं एंड दिस हेल्प्स यू इन गेटिंग रिड ऑफ योर ग्लासेस। सो इफ वी टॉक ऑफ ICL, हाउ कॉमनली इज इट डन? ICL हैज बिकम अ वेरी कॉमन सर्जरी nowadays बिकॉज ऑफ टू reasons. One is that over the last 15 years, we have seen that it has given us very spectacular results. In fact, कुछ केसेस में तो क्वालिटी ऑफ विजन आफ्टर ICL सर्जरी इज इवन बेटर देन आफ्टर लेसिक सर्जरी। एंड सेकेंडली, कॉम्प्लिकेशन रेट्स जो है वो बहुत ही नेग्लिजिबल है। अगर मैं आपको एक अप्रॉक्सीमेट फिगर दूं, सो इन वन डे ऑल ओवर द वर्ल्ड अप्रॉक्सीमेटली 1000 ICLs आर डन इन अ डे। और अगर मैं IQ की बात करूं, तो हमारे यहाँ डेली बेसिस पे एटलीस्ट 2 ICL सर्जरीज करी जाती हैं। तो ICL अब एक बहुत ही कॉमन टेक्नोलॉजी हो गई है जो हम यूज करते हैं चश्मा हटाने के लिए। अब इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस करूंगी। सबसे पहले, कौन करा सकता है ICL? क्या आपकी चॉइस होती है आप ICL कराएं कि कोई एक पर्टिकुलर कैंडिडेट है जो ICL करा सकता है? तो सबसे पहले तो इस चीज का डिसीजन आपका डॉक्टर लेता है। तो कुछ कैंडिडेट्स दे आर मोर सुटेबल फॉर ICL। नंबर वन, जिनका नंबर बहुत ज़्यादा है। अब बहुत ज़्यादा नंबर से मेरा मतलब है -7, -8 या इवन +7, +8, या जिनका सिलेंड्रिकल बहुत पावर बहुत ज़्यादा है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जिन लोगों का नंबर ज़्यादा है, उन लोगों में हम लेसिक इसीलिए नहीं प्रेफर करते हैं बिकॉज लेसिक लेज़र अगर हम उनमें करेंगे तो बहुत ज़्यादा लेज़र का इस्तेमाल करना पड़ेगा, कॉर्निया की कंटूरिंग बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी, और अगर पेशेंट को बाद में 6x6 भी नज़र आए बट वो क्वालिटी ऑफ विजन पेशेंट के पास नहीं होगा। एंड बाय quality of vision I mean how brightly you are seeing things, how is the contrast. So these factors are also important when we talk of vision, not just कि आप 6x6 पढ़ रहे हैं या नहीं। So people with high numbers do better with ICL. Second category of candidates वो हैं जो किन्हीं कारणों से लेसिक के लिए suitable नहीं है, जैसे कि अगर हम आपका कॉर्निया का टेस्ट करते हैं, कॉर्निया की टोपोग्राफी करते हैं, यदि वो adequate नहीं पाया गया है और आप लेसिक के लिए suitable नहीं है तो आप ICL कराइए। Another category is अगर आप पहले से extreme dry eye disease या dryness से suffer करते हैं तो भी हम लेसिक ना प्रेफर करके आप में ICL प्रेफर करते हैं, क्योंकि ICL में ड्राइनेस बढ़ने का डर नहीं रहता है। तो ये तो थे कुछ कैंडिडेट्स जो ICL सर्जरी के लिए ज़्यादा सूटेबल होते हैं। अब हम बात करते हैं इसके चेकअप के बारे में। तो चेकअप में कुछ पॉइंट्स लेसिक लेज़र और ICL में बिल्कुल कॉमन है। जब भी आप आई डॉक्टर के पास जाएंगे इसके बारे में, तो हम आपका नंबर टेस्ट करते हैं, हम आपकी आई की फिटनेस टेस्ट करते हैं, हम आपका पर्दा टेस्ट करते हैं। सो ये सब टेस्ट तो लेसिक और ICL में कॉमन होते हैं। फिर यदि इन टेस्ट करने के बाद डिसीजन लिया जाता है कि यू आर अ बेटर कैंडिडेट फॉर ICL, देन देर आर सम मोर मेजरमेंट which are taken of the eye which can be done on the same day. You don't have to go for an extra visit for that. ये इसलिए लेना पड़ता है क्योंकि ICL is a customized lens जो कि आपके नंबर के लिए और आपकी आँख के लिए डॉक्टर को ऑर्डर करना पड़ता है। तो उसके लिए आँखों की कुछ मेजरमेंट्स ली जाती हैं जो भी इजिली OPD बेसिस पे डॉक्टर ले सकता है। तो ये तो थी चेकअप की बात। अब आता है कि जो प्रिकॉशंस हैं या जिन लोगों के लिए लेसिक सूटेबल नहीं है वो ICL कराएंगे, बट ये आपको ध्यान रखना है कि प्रेगनेंसी या लैक्टेटिंग कंडीशन में हम कोई भी प्रोसीजर नहीं एडवाइस करते हैं, ना लेसिक ना ICL। तो यदि आप प्रेग्नेंट हैं या लैक्टेटिंग हैं या अपने बेबी को फीड कर रहे हैं, तो कृपया करके अपने प्रोसीजर को आप पोस्टपोन कीजिए कुछ महीनों तक या साल भर तक। नेक्स्ट हम बात करते हैं ICL प्रोसीजर की। सो ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है जो सेम डे में दोनों आँख का नहीं किया जाता है। So there is a gap of 3 to 5 days which is kept between the two eyes. The procedure as such is 10 minutes.
एक आंख में करने के बाद फिर हम आपको 3-4 घंटे के लिए उस पर पट्टी रहती है जो आप घर जाके हटा दीजिए। उसको आपको तुरंत ही पूरा साफ दिखता है। आपको कुछ ड्रॉप्स का प्रयोग करना है। आपके पोस्ट ऑपरेटिव प्रिकॉशंस जनरली सेम रहते हैं जो लेसिक के बाद होते हैं, कि आपको कैसे आंखों का हाइजीन मेंटेन करना है, आपको कैसे ड्रॉप्स डालने हैं। बाकी आप 3-4 दिन के बाद यू कैन गो बैक टू योर वर्क। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज़ द रिजल्ट, दैट व्हाट आर द रिजल्ट्स ऑफ ICL सर्जरी। Like I previously discussed, in some situations we have seen that the results of ICL surgery are much better than LASIK surgery because the quality of vision that is provided by ICL may not be achieved by LASIK surgery also. So it's a very safe procedure, complication rates are very low, and it is increasingly being performed the world over. So I would like to conclude by telling you this, that when you go to a doctor for a checkup, please go with an open mind. Do not make a decision yourself that मुझे लेसिक कराना है या मुझे सिल्क कराना है या मुझे ICL कराना है। इसका decision तभी लिया जा सकता है जब आपकी आँख का पूरा checkup हो जाए, आपकी आँख की fitness हो और आपका doctor आपको advise करता है कि best result के लिए आपके लिए best procedure क्या है। Thank you.